असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगातार बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर अपने खतरे के निशान को पार कर चुकी है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण अब तक 6 जिलों के 53,000 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। लगभग 3,000 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न हो गया है। स्थानीय लोग बाढ़ग्रस्त इलाके से निकलकर सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। दरअसल लगातार बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई, जिससे आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं।